तो सत श्री अकाल जी सारे नूं, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गर्व और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गर्व स्टाइल। तो गाइस आज की मोटिफिकेशन बड़ी स्पेशल होने वाली है। आप देख सकते हैं मेरे पास हिमालयन खड़ी है, तो इट मींस इसी के ऊपर कुछ ना कुछ हम करने वाले हैं आज। तो वैसे भी आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं हिमालयन के ऊपर। तो ये बड़ी ही स्पेशल मॉडिफिकेशन है गाइस, जैसे कि आपने देखा ही होगा बड़ी जो टूरिंग बाइक्स होती है ट्रायम टाइगर या और भी टूरिंग बाइक, तो उनके यहाँ पे विंड एक्सटेंडर लगा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लाइक जो आपका डायरेक्ट एयर फ्लो आता है वो आपके मुंह पे सीधा नहीं आती, वो क्या होता है कि ऊपर से निकल जाती है अगर आपका विंडशील्ड एक्सटेंडर लगा होता है। तो उसका मैंने अनबॉक्स ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो जिन भाइयों ने नहीं देखा वो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सटेंडर को इसके ऊपर कैसे फिट करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसके साथ वो इसके साथ अटैच होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी अभी। तो सबसे पहले गाइस मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये है कनेक्टर जो कि यहाँ पे विंडशील्ड के ऊपर फिट होगा। उसके साथ साथ मिलती हैं हमें दो रबर्स, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये है इसकी रबर्स। तो इसके अंदर एक आपको पत्ती मिल जाती है जो कि इसके अंदर डलती है और यहीं से ये मुड़ जाती है यहाँ पे, और यहाँ से मुड़ के ये अंदर फिट हो जाती है यहाँ इस चीज़ पे। तो क्योंकि इसी ने ही होल्ड करना होता है, रबर ने ही होल्ड करना होता है ये वाले हमारे विंडशील्ड को, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे ही मैंने दूसरे वाला बनाया हुआ है तो वो भी इसी के अंदर ही चला जाएगा। तो यार एक बड़ी गलत बात हो गई, बिकॉज ये नट जो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे एलंकी वाले, और मेरे पास एलंकी सेट है बट क्या है कि वो इसकी मैचिंग की एलंकी नहीं है। तो एक मैंने बड़ा बढ़िया जुगाड़ करा है, वो भी आपको दिखाता हूँ कि इसको मैं टाइट कैसे करूँगा। तो अब करना तो पड़ना ही था, वीडियो तो बनानी है। अब उसके लिए कल मैं सुबह की वेट करता, अब रात भी हो गई है, आज दो तीन वीडियो एक ही साथ बना ली मैंने तो इसलिए आज जा भी नहीं पाया, और वैसे भी मुझे पता ही नहीं था उसमें एलंकी इसके साथ आई है या नहीं आई, तो जुगाड़ करके अब करना पड़ा मुझे। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये फिट हो चुकी है रबर, और अब ये वाली चीज़ इस पर आएगी। तो अब हम गाइस ये वाला जो पार्ट है इसको हम इसके अंदर लगाएंगे विंडशील्ड के ऊपर। तो अच्छे से सेंटर देख लेना बिकॉज टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए आपकी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सेटिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये लग चुकी है बिल्कुल मिडल में है। तो बाकी मैं फिर भी देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है बस। अब ये बिल्कुल मिडल में लग चुकी है। अब सबसे बड़ा टास्क जो आता है इसकी जो नट है ये हमने टाइट करने हैं स्क्रू, और इसके लिए मेरे पास एलंकी नहीं है इसके साइज़ की। तो उसके लिए मैंने क्या करा है ये आप देख सकते हैं, ये है स्क्रू जो स्क्रू नट जो होता है इसके साथ, ये इसके अंदर जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं वो इसके अंदर जाएंगी, तो वो क्या इसको टाइट करने में मदद करेगी मेरी। तो हम इसी से ही काम चलाते हैं, जुगाड़मेंट तो करना ही है अपन ने। तो पहले धीरे धीरे एक एक साइड अपन ने टाइट करनी है, तभी आपका अच्छे से ये टाइट हो पाएगा। तो ये वाला और ये वाला मैंने क्रॉस टाइट कर दिया, और बाकी ये भी करता हूँ अभी मैं। तो फाइनली गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइनली लग चुका है, बहुत ही मुश्किल से लगाया मैंने इसको बड़े जुगाड़ करके। तो अब ये कहीं नहीं जाता, बिल्कुल टाइट है बिकॉज प्लास्टिक और ये जो इसके अंदर रबर है इसने फ्रिक्शन बना लिया अपना, तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो अब बारी है इस एक्सटेंडर की। तो ये मेरे पास इसका जो स्क्रू है टाइट करने का वो है, और इसको अब हम टाइट करते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह का होता है जो कि इसके अंदर टाइट होगा, एक साइड पे यहाँ पे वॉशर है और ये इसका हैंडल है, जब हम टाइट करेंगे तो इजीली टाइट हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको हम टाइट करते हैं। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने माउंट कर दिया है, और प्रॉपरली यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे इसको नीचे लॉक करना होता है जिसकी वजह से आपका पूरा टाइट हो जाता है। और पूरा गाइस बिल्कुल नहीं हिल रही, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने इसको कर दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ से अगर अपन गाड़ी चलाएंगे तो ये इसका लुक आता है। तो अब ये कुछ इस तरह की दिख रही है बाइक हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं।
तो होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए प्रोडक्ट के साथ, एक और नई चीज के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।